हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम विनीत पांडे और आप देख रहे हैं क्लास 8 मैथ्स 2 पाई क्लासेस। इस चैनल पे क्लास 8 के मैथमेटिक्स का बहुत ही क्वालिटी कंटेंट आपको मिलेगा। क्लास 8 के एनसीईआरटी को हमने बहुत डिटेल में समझाया हुआ है, हर एक कॉन्सेप्ट को यहाँ पर क्लियर किया हुआ है। और मैं आपको बता दूँ कि इसके पहले हमारा एक और चैनल है जिसका नाम है 2 पाई क्लासेस, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। वहाँ सीनियर क्लासेस के वीडियोज़ आपको क्लास 9 to 12 के फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स के वीडियोज़ मिल जाएंगे। अगर आप गार्जियन हैं इस वीडियो को देख रहे हैं, या आप कोई फ्रेशर टीचर हैं, या आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, या क्लास 8 के आप स्टूडेंट हैं इस वीडियो को देख रहे हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बिकॉज यहां पर हम बहुत डिटेल में क्लास 8 के मैथमेटिक्स को डिस्कस करते हैं और यहां से पढ़ के ऑब्वियसली आपके सारे कॉन्सेप्ट्स अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएंगे। ओके, और अगर आपको किसी चैप्टर का लिंक नहीं मिलता है तो आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर प्लीज कॉल मत करिएगा, ठीक है ना। व्हाट्सएप नंबर 7503 6444171, इस नंबर पे व्हाट्सएप करिए तो लिंक यहां से हम आपको सेंड कर देंगे, करेक्ट। चलिए अब हम लोग क्या पढ़ रहे थे। अच्छा, आप यहां पे पिन कमेंट भी चेक कर सकते हैं, जो कमेंट सबसे ऊपर आ रहा है उसको पिन कमेंट बोलते हैं, ठीक है। वहां पे आप रीड मोड पे क्लिक करोगे तो आपको आपका क्लास 8 का मैथ्स का सिलेबस का लिंक मिल जाएगा, ठीक है। जैसे आपको फैक्टराइजेशन पढ़ना है तो फैक्टराइजेशन एनसीईआरटी वाले लिंक पे आप क्लिक करोगे तो प्लेलिस्ट पूरा ओपन होकर आ जाएगा पार्ट 1 से। इसी तरीके से आपको एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज एंड एक्सप्रेशंस वाला चैप्टर पढ़ना है तो उस पर आप क्लिक कर दो, ठीक है। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे, लिंक नहीं मिल रहा है तो व्हाट्सएप कर लीजिएगा, ठीक है। अब आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो ये फैक्टराइजेशन का वीडियो नंबर 2 है, ठीक है बच्चों। लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था, लास्ट क्लास में आप अपनी एनसीईआरटी की बुक ओपन कर सकते हैं। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था क्या, पेज नंबर 217 पे इंट्रोडक्शन हमने आपको दिया था, फैक्टर्स ऑफ नेचुरल नंबर क्या होते हैं, फैक्टर्स ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का मतलब क्या होता है ये हमने आपको बच्चों बताया था, और इररिड्यूसिबल फैक्टर्स क्या होते हैं ये हमने आपको बताया था। अगर आपने इसके पहले का वीडियो नहीं देखा है तो पिन कमेंट में जो प्लेलिस्ट दिया उस पर प्लीज क्लिक करें। आज आप अपनी एनसीईआरटी की बुक बच्चों ओपन करिए, ठीक है, और पेज नंबर 218 प्लीज ओपन कर लीजिए। सेक्शन 14.2 को आप रेफर कर सकते हो, इन्होंने पढ़ाया व्हाट इज फैक्टराइजेशन, उसके बाद सेक्शन 14.2.1 मेथड ऑफ कॉमन फैक्टर्स, ठीक है। तो इसको हम डिस्कस करेंगे, एग्जांपल्स करेंगे। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं हम, व्हाट इज फैक्टराइजेशन, ठीक है। तो एक बार फिर से इन्होंने बोला है कि भाई फैक्टराइजेशन क्या होता है, तो इसके लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं बच्चों, ध्यान से चेक करिए। ये देखिए एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, मान लीजिए हमारे पास, आपकी बुक से ही लेते हैं एग्जांपल, आप 14.2 में देख सकते हैं सारे एग्जांपल, ठीक है बच्चों। ये देखिए एक हमने एक्सप्रेशन लिया 3xy, करेक्ट। अब फैक्टराइजेशन क्या होता है, कल हमने आपको बताया था, आप क्या करोगे, ये जो एक्सप्रेशन है इसको किन्हीं क्वांटिटीज के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखोगे। क्या मैंने बोला, इस एक्सप्रेशन को कुछ क्वांटिटीज के प्रोडक्ट्स के फॉर्म में लिखोगे, और वो क्वांटिटीज नंबर भी हो सकती हैं, एल्जेब्रिक वेरिएबल भी हो सकता है, और एक्सप्रेशन भी हो सकता है, ठीक है। ध्यान से देखिए, 3 × x × y हमने इसको लिखा, ठीक है बच्चों। तो बस 3 क्या है, 3xy का फैक्टर है, x क्या है, 3xy का फैक्टर है, y क्या है, 3xy का फैक्टर है, ठीक है। इसी तरीके से हम नेक्स्ट एग्जांपल, आइए दिखाते हैं आपको बच्चों। ये देखिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम, 5x²y, तो इसको आप लिख सकते हो 5 × x² का मतलब क्या होता है, x × x × y, तो आप देख सकते हो 5 5x² y का फैक्टर है, ठीक है। x भी 5x² y का फैक्टर है, ये वाला x भी 5x² y का फैक्टर है, y भी 5x² y का फैक्टर है, ठीक। तो आपने देखा किसी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का जो फैक्टर होता है वो कोई नंबर भी हो सकता है, एल्जेब्रिक वेरिएबल्स भी हो सकते हैं, ठीक। 3 क्या है, नंबर है, x क्या है, एल्जेब्रिक वेरिएबल है, ठीक। इस तरीके से एक और एग्जांपल हम आपको दिखाते हैं बच्चों, जैसे कि मान लीजिए आपको दिया हुआ है आपकी बुक में ये एग्जांपल, 2x(y+2), इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है 2 × x (y+2). अब आप ध्यान से चेक करिए, इस बार जो फैक्टर्स आपको मिले हुए हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, 2x(y+2) के, ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, इसके फैक्टर्स जो मिले हुए हैं इस बार 2 है, x है बाई 2 × x, फिर इंटू, यहां कुछ नहीं तो इंटू सोचेंगे, है ना, यानी कि मल्टीप्लाई का साइन सोचेंगे, तो 2 × x × y+2। तो इस बार जो फैक्टर्स हैं कौन कौन है, नंबर है, 2 एक नंबर है, x क्या है, एल्जेब्रिक वेरिएबल है, x वेरिएबल है, y+2 क्या है, y+2 एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है बच्चों, ध्यान दीजिएगा प्लीज, क्या है, ये एक नंबर है, 2 एक नंबर है, x क्या है, एल्जेब्रिक वेरिएबल है, x क्या है, एल्जेब्रिक वेरिएबल्स है, वेरिएबल है, ओके। और उसके बाद आप देखोगे y+2 एक तरीके का एक्सप्रेशन है, ठीक, y+2 क्या है, एक तरीके का एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन क्या होता है, जो वेरिएबल्स और कांस्टेंट से मिलके बने होते हैं, ठीक है, एल्जेब्रिक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज वाले चैप्टर में आपने पढ़ा हुआ है, ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। तो ध्यान दीजिए, अब वो आपसे बोल रहा है क्या, कह रहा है कि व्हाट इज फैक्टराइजेशन, तो कह रहा है कि व्हेन वी फैक्टराइज एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन,
व्हेन वी फैक्टराइज एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को, किसी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करने का ये मतलब है कि उसको हम प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखें, किसके प्रोडक्ट के फॉर्म में, किसी नंबर के, एल्जेब्रिक वेरिएबल के, या एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखें। तो बस 2 क्या है, 2xy plus 2 का फैक्टर है, x क्या है, 2xy plus 2 का फैक्टर है, इसी तरीके से y plus 2 भी क्या है, 2xy plus 2 का फैक्टर है। तो ये आपके पास एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दिया हुआ था, ये वाला, इसके फैक्टर्स ये 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 हो गए। तो वही वो कह रहा है, क्या कह रहा है, कह रहा है कि व्हेन वी फैक्टराइज एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, जब हम किसी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करते हैं तो क्या होता है, वी राइट इट एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स फैक्टर्स, तब हम उस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को उसके फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखते हैं। इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का फैक्टर कौन कौन है, 2 है, x है, y प्लस 2 है, तो हमने इसको प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख दिया, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई लगा लगा कर हमने लिख दिया, 2 इंटू x इंटू y प्लस 2, ठीक है, तो 2 भी इसका फैक्टर है, x भी इसका फैक्टर है, y प्लस 2 भी इसका फैक्टर है। अब इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के जो जो फैक्टर आ रहे हैं, कौन कौन से, 2x y प्लस 2, उनकी क्या खासियत होती है, वो आगे इन्होंने बताया हुआ है, पढ़िए, कह रहे हैं कि दीज फैक्टर्स में भी नंबर्स, यस सर, दीज फैक्टर्स में भी नंबर्स, एल्जेब्रिक वेरिएबल्स और एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस, ये जो फैक्टर्स होते हैं, ये नंबर हो सकते हैं, ये एल्जेब्रिक वेरिएबल्स हो सकते हैं, और ये एक्सप्रेशन हो सकते हैं। तो ये चीज आप अपनी कॉपी में नोट करिए, जब हम किसी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का फैक्टराइजेशन करते हैं तो हम उसको मतलब उस एक्सप्रेशन को, उस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसके हमको फैक्टर निकालने हैं, उस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को हम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखते हैं। तो इसके फैक्टर 3 फैक्टर्स हैं, 2x y प्लस 2, ठीक, और ये जो फैक्टर्स हैं, ये नंबर हो सकता है, एल्जेब्रिक वेरिएबल हो सकता है, या कोई एक्सप्रेशन हो सकता है, यही बात लिखी हुई है एनसीईआरटी में, प्लीज इसको अपनी कॉपी में नोट कर लें और एक दो बार इसको आप अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए। व्हेन वी फैक्टराइज एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, वी राइट इट एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स फैक्टर्स, दीज फैक्टर्स मे बी नंबर, एल्जेब्रिक वेरिएबल्स और एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस, ठीक है, एक तो ये चीज हो गई, ठीक है। एक और एग्जांपल हम आपको दें, चलिए आपकी बुक से एक और एग्जांपल लेते हैं बच्चों, जैसे कि हमें दिया हुआ एग्जांपल क्या, 5 (y+1) (y+2), ये देखिए बच्चों, अब इसको हम क्या कर सकते हैं, ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, ठीक, तो इसके फैक्टर्स क्या क्या हो जाएंगे, इसको आप लिख सकते हो 5 (y+1) (y+2), ये लीजिए, ये इसके फैक्टर्स आ गए। तो 5 क्या है, नंबर है, 5 क्या है, नंबर है, वाई प्लस वन क्या है, ये है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक, इसी तरीके से y प्लस टू भी क्या है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो देखा आपने, एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दिया था तो उसको हमने उसके फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखा, फैक्टर कौन कौन है, 5 है, y प्लस वन है, y प्लस टू है, और ये जो फैक्टर्स हैं, ये नंबर भी हो सकते हैं, एल्जेब्रिक वेरिएबल भी हो सकते हैं और एक्सप्रेशन भी हो सकते हैं, जैसे कि 5 नंबर है, ये दोनों एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। अब यहाँ पे देखो 3 नंबर है, एल्जेब्रिक वेरिएबल है, y क्या है, एल्जेब्रिक वेरिएबल है, ठीक, यहाँ पे देखिए 5 नंबर है, एल्जेब्रिक वेरिएबल और एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है। तो ये सारी चीज़ हो गई। एक खास बात और देखिएगा, कह रहा है कि नोट फैक्टर फॉर्म ऑफ एनी एक्सप्रेशन हैज ओनली वन टर्म, ठीक है, इसको अभी हम डिस्कस करेंगे। अगर आपको थोड़ा सा फील करना हो तो मैं आपको फील करा सकता हूँ, जो फैक्टर फॉर्म होगा किसी एक्सप्रेशन का, जो फैक्टर फॉर्म होगा उसमें ओनली वन टर्म होगा, ओनली वन टर्म, टर्म समझते हो आप, टर्म्स आर सेपरेटेड बाय प्लस एंड माइनस, देखिए बच्चों बात समझिए प्लीज, ध्यान दें, जैसे अगर हमने कहीं पे लिखा है x² + 2x, कितने टर्म्स हैं बताओ इसमें, 2 टर्म्स है, बाइनोमियल है ना, 2 टर्म्स है, टर्म्स आर सेपरेटेड बाय प्लस एंड माइनस, मतलब अगर कहीं प्लस और माइनस आ जा रहा हो तो आप पहचान सकते हो, देखो जैसे यहां पे प्लस है ना, तो प्लस के पहले जो लिखा होगा वो एक टर्म है, प्लस के बाद जो लिखा होगा वो दूसरा टर्म है, तो वन टर्म, टू टर्म, टोटल 2 टर्म है। लेकिन जब फैक्टराइजेशन, जब फैक्टर फॉर्म में होता है कोई एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन तो उसमें ओनली वन टर्म होता है, ठीक है, तो सुनो मेरी बात ध्यान से, जैसे कि यहां पे देखो बच्चों 3xy, ये अपने फैक्टर फॉर्म में है, यस, ये अपने फैक्टर फॉर्म में है, हाँ है, क्यों, 3xy कहीं पे प्लस तो नहीं लगा है ना, ऐसा तो नहीं है ना, 3 + x + y ऐसा तो नहीं है ना, ठीक है, तो इसमें ओनली वन टर्म है 3xy। अब बच्चे बोलेंगे सर यहां तो 3 टर्म्स दिख रहे हैं, नहीं बच्चों ये टर्म्स नहीं है, ये तो हमने उसके फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख दिया उसको, बस यहां पे भी एक ही टर्म है, वन टर्म है, दिस होल थिंग इज वन टर्म हियर, ये पूरा एक टर्म है, तो ये अपने फैक्टर्स के फॉर्म में, ये रहे इसके फैक्टर्स, ठीक, इसमें भी केवल एक ही टर्म है, ओनली वन टर्म, चेक कर लीजिए, ये पूरा ही एक टर्म है। अब बच्चे बोलेंगे सर यहां प्लस लगा तो है, नो, अगर ये ऐसा होता, कैसा, 2x + y + 2, अगर ये ऐसा होता, ठीक, तब इसमें 2 टर्म्स होते हैं, पहला क्या होता 2x
और दूसरा होता क्या y प्लस टू, हालांकि ऐसा लिखते तो आपको थ्री टर्म्स मिल जाते क्योंकि y प्लस टू वन टर्म टू टर्म थ्री टर्म। बहरहाल यहाँ पे देखिए आप बच्चों, टू टू इन टू है फिर इन टू है, y प्लस टू को ब्रैकेट में लिखा हुआ, तो ये वाले प्लस को आपको नहीं देखना है अभी, ये सब कुछ मल्टीप्लीकेशन में है ना, तो ये सिंगल एक ही टर्म माना जाएगा, ओनली वन टर्म, तो ये अपने फैक्टर्स के फॉर्म में है। ठीक, इसके फैक्टर कौन कौन है, टू एक्स वाई प्लस टू, लेकिन क्या ये अपने फैक्टर के फॉर्म में है, नहीं, क्योंकि इसमें आपको कितने टर्म दिखाई पड़ रहे हैं, टू टर्म्स दिखाई पड़ रहे हैं, तो ये अपने फैक्टर फॉर्म में नहीं है। तो कॉपी में नोट लगाएं, फैक्टर फॉर्म ऑफ एनी एक्सप्रेशन हैज वन एंड ओनली वन टर्म। आइए हम आपको बच्चों एग्जांपल दिखाते हैं, ध्यान से चेक करिए, आप देख सकते हो अपनी बुक में पेज नंबर 218 पे कह रहा है, ऑन द अदर हैंड कंसीडर द एक्सप्रेशन लाइक 2x प्लस 4। ध्यान से चेक करो बच्चों, यहां पे देखिए ये लिखा हुआ है इसने 2x प्लस 4, अब बताओ इसमें कितने टर्म है, टू टर्म है, तो क्या ये अपने फैक्टर के फॉर्म में है, नहीं, 2x फर्स्ट टर्म है, 4 सेकेंड टर्म है ना, तो ये अपने फैक्टर के फॉर्म में नहीं है। अभी हम इसको इसके फैक्टर के फॉर्म में लेके आएंगे अभी हम आपको पढ़ाएंगे, परेशान ना हो। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, 3x प्लस 3y, क्या ये अपने फैक्टर के फॉर्म में है, नहीं है, क्योंकि टू टर्म्स है इसमें। फिर नेक्स्ट एग्जांपल है आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 5x, क्या ये अपने फैक्टर के फॉर्म में है, नहीं है, क्योंकि टू टर्म्स है। ठीक है, उसके बाद आप देखिए बच्चों, नेक्स्ट आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, क्या ये अपने फैक्टर के फॉर्म में है, नहीं है, क्योंकि 1 2 3 टोटल, इसमें टू टर्म टू टर्म टू टर्म, इसमें टोटल 1 2 3 टर्म्स, तो ये सारे अपने फैक्टर्स के फॉर्म में नहीं है। अब ये सारे फैक्टर्स फॉर्म में थे, ये भी था, ये भी देखिए एक ही टर्म है, ओनली सिंगल टर्म, ठीक, लेकिन ये सारे फैक्टर्स के फॉर्म में नहीं है, नॉट इन फैक्टर फॉर्म, नॉट इन फैक्टर फॉर्म, क्यों, क्योंकि या तो इसमें क्या है, टू टर्म्स है, और का मतलब या तो इसमें कहीं कहीं यहां पे देखिए थ्री टर्म्स है, या तो थ्री टर्म्स है। ओके स्टूडेंट्स, तो फैक्टर फॉर्म में कब होगा, जब ओनली वन टर्म होगा। तो अब हमारा काम क्या है, हमें इस चैप्टर में यही पढ़ना है क्या, कि जब टू टर्म्स दिए हो, थ्री टर्म्स दिए हो, तो हमें उसके फैक्टर करके उसको ओनली वन टर्म के फॉर्म में लेके आना है, यानी कि उसके फैक्टर फॉर्म में हमें उसको लेके आना है। ठीक है बच्चों, अब इसी को हम कहते हैं फैक्टराइजेशन करना, जब हम इस एक्सप्रेशन को उसके फैक्टर के फॉर्म में लेके आएंगे तो ओनली वन टर्म दिखाई पड़ेगा, इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं फैक्टराइजेशन करना। ठीक है, अब फैक्टराइजेशन कैसे किया जाता है, उसके डिफरेंट मेथड होते हैं, तो हम आपको बताएंगे क्या 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 मेथड होते हैं। पहला मेथड है मेथड ऑफ कॉमन फैक्टर्स, दूसरा मेथड है फैक्टराइजेशन बाय रीग्रुपिंग द टर्म्स। ठीक है, तो ये दोनों मेथड हम 14.1 में डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, इतना नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको बताता हूँ कि फैक्टर्स हम कैसे निकालते हैं। ओके नाउ स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं कि फैक्टराइजेशन किया कैसे जाता है। तो फर्स्ट जो मेथड है सेक्शन 14.2.1 आप देख सकते हो एनसीईआरटी पेज नंबर 218 पर, मेथड ऑफ कॉमन फैक्टर्स। ठीक है, मेथड ऑफ कॉमन फैक्टर्स की हेल्प से बच्चों हम किस तरीके से फैक्टराइजेशन करते हैं, इसको हम आपको एग्जांपल की हेल्प से समझाते हैं। मान लीजिए हमें क्वेश्चन दे दिया बच्चों उसने, फैक्टराइज 2x प्लस 4। ओके बच्चों, इसको आप फैक्टराइज करना है, ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसको आपको फैक्टराइज करना है 2x प्लस 4 को। सुनो मेरी बात ध्यान से, देखिए 2x प्लस 4 में बच्चों कितने टर्म्स हैं, टोटल कितने टर्म्स हैं, टू टर्म्स हैं। चेक करिए, 2x इसका फर्स्ट टर्म है, क्योंकि टर्म्स आर सेपरेटेड बाय प्लस एंड माइनस, है ना, तो ये हो गया फर्स्ट टर्म, और 4 क्या आपका सेकेंड टर्म। ठीक है बच्चों, तो क्या ये अपने फैक्टर फॉर्म में है, नो सर, फैक्टर फॉर्म में ओनली वन टर्म होता है। ओके, फैक्टर फॉर्म हैज ओनली, कॉपी में नोट लगा ले फिर से, अभी मैंने बताया था फैक्टर फॉर्म हैज ओनली वन टर्म। अगर कोई एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन अपने फैक्टर फॉर्म में है बच्चों, तो उसमें ओनली क्या होगा, ओनली वन टर्म होगा, यहां तो टू टर्म्स है, यानी कि अपने फैक्टर फॉर्म में नहीं है। तो लेके आओ, कह रहा है कि फैक्टराइज दिस। अब देखो, कह रहा है मेथड ऑफ कॉमन फैक्टर, तो इसमें करना कुछ नहीं बच्चों, आपको क्या करना है, जितने भी टर्म्स आपको दिख रहे हैं उन टर्म्स को इरिड्यूसिबल फैक्टर के फॉर्म में लेके आना है। आपने पहला वीडियो देखा है ना, नहीं देखा है तो कोई बात नहीं, मैं आपको बताता हूं इरिड्यूसिबल फैक्टर फॉर्म क्या होता है। देखो, फर्स्ट टर्म क्या है, इसका फर्स्ट टर्म क्या है, 2x है, तो इसको इरिड्यूसिबल फैक्टर्स के फॉर्म में लेके आओगे, मतलब समझो 2x को आपने क्या लिखना है, 2 इंटू एक्स, इसी को हम बोलते हैं इरिड्यूसिबल फैक्टर फॉर्म। इरिड्यूसिबल फैक्टर फॉर्म मतलब अब आप फर्दर 2 को फैक्टराइज नहीं कर सकते हो, x को भी आप फैक्टराइज नहीं कर सकते हो। फैक्टराइज करने का मतलब है, क्या आप 2 को किन्हीं दो नंबर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हो, ना। क्या आप x को 2 एल्जेब्रिक वेरिएबल्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हो, ना भाई, 2 2 है, x x है, हाँ, लेकिन जो 2x था उसको आप 2 into x के फॉर्म में लिख सकते हो, मतलब ये जो 2x था एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, इसको आपने 2 into x के फॉर्म में लिख दिया। सुनो, तो 2x को आप क्या लिख सकते हो, 2 into x लिख सकते हो, यही जो फॉर्म है ये 2x का क्या है, इरिड्यूसिबल
मतलब अब हम इसको फर्दर रिड्यूस नहीं कर सकते, इरिड्यूसिबल, रिड्यूस मतलब अब हम इसको फर्दर रिड्यूस नहीं कर सकते, मतलब इसके फर्दर हम फैक्टर नहीं निकाल सकते. ओके, सो ये इरिड्यूसिबल फैक्टर फॉर्म है, फैक्टर फॉर्म है. ठीक, अब देखिए सेकेंड टर्म क्या आपका, ठीक है यहां पे मैं लिखता हूं, सेकेंड टर्म क्या आपका 4. हाँ भाई बताइए, 4 को इरिड्यूसिबल फैक्टर फॉर्म में लिखो, मतलब 4 के प्राइम फैक्टर्स लिखो, कौन कौन होते हैं, 2 इन 2. यस सर, तो 4 को आपने लिखा 2 इन 2, बस अब 2 को फर्दर हम फैक्टराइज नहीं कर सकते और ये वाले 2 को भी फैक्टराइज नहीं कर सकते, इतना कर लिया. अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ इक्वल टू लगाइए, 2x के नीचे क्या लिखेंगे, 2 इन 2 x. भाई 2x को आपने क्या लिखा, 2 इन 2 x, फिर ये वाला प्लस है, कॉपी कर लेंगे, और 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इन 2 2, करेक्ट. ओके, अब क्या करना है आपको, कह रहा है मेथड ऑफ कॉमन फैक्टर, मतलब समझो ये आपका फर्स्ट टर्म है, बच्चों ध्यान से जरा चेक करिएगा प्लीज, ये क्या था, फर्स्ट टर्म था, ये क्या था, सेकंड टर्म था. तो फर्स्ट टर्म को हमने ऐसा बना लिया 2 इंटू एक्स, ये आपका क्या है, फर्स्ट टर्म है एलजेब्रिक एक्स, भाई ये बाइनोमियल है ना, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म, तो फर्स्ट टर्म ये अभी भी ये क्या है, फर्स्ट टर्म है, और ये क्या है, ये है आपका सेकंड टर्म. मेरी बात ध्यान से सुनिएगा बच्चों, अब अगर हम यहां पे एक ब्रैकेट लगा दें इस तरीके से, ठीक, तो आपको ये चेक करना है कौन सा ऐसा नंबर है, आई रिपीट सुन लीजिए, कौन सा ऐसा नंबर है या कौन सा ऐसा वेरिएबल है या कौन सा ऐसा एलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, जो तीन चीजें चेक करनी होती, ध्यान से चेक करिए, कौन सा ऐसा नंबर है, कौन सा ऐसा वेरिएबल है या और का मतलब या कौन सा ऐसा एलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जो फर्स्ट टर्म में भी आ रहा हो और सेकेंड टर्म में भी आ रहा हो. तो बच्चों ध्यान से चेक करिए, 2 इंटू एक्स, ये पूरा फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म में क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, x आ रहा है, सेकेंड टर्म में क्या आ रहा है, 2 और आ रहा है, 2 आ रहा है. तो कौन सा ऐसा नंबर है, सबसे पहले नंबर चेक करो, कौन सा ऐसा नंबर है जो दोनों टर्म्स में कॉमन आ रहा है, फर्स्ट टर्म में भी आ रहा हो, सेकेंड टर्म में भी आ रहा हो. तो फर्स्ट टर्म में देखो 2 आ रहा है, सेकेंड टर्म में भी 2 आ रहा है, ठीक, तो 2 कॉमन हो जाएगा. कैसे कॉमन होगा वो हम आपको बताते हैं. तो हमने क्या किया, इस ब्रैकेट में से 2 को बाहर निकाल लिया. अब कैसे निकालते हैं वो भी हम आपको बता रहे, ज्यादा परेशान मत हो. आप ये सोचो कि 2 इंटू एक्स लिखा था, ये वाला 2 बाहर चला गया, तो अब जब ये बाहर चला गया ब्रैकेट के, ब्रैकेट ऐसे पकड़ के बाहर ले आओ, ऐसे सोचो, ठीक. तो यहां क्या बचेगा, x बचेगा प्लस, अब यहां पे कितने 2 थे, 2, अरे दो बार 2 लिखा था ना, 2 इंटू 2, तो एक तो चला गया बाहर, मान लो ये वाला, अरे ये वाला कोई भी ले जाओ बाहर, तो ये वाला चला गया बाहर, तो यही तो बचेगा, ये लो, ठीक. अब मेरी बात ध्यान से सुनिए बच्चों, बच्चे बोलेंगे ये क्या कर दिया आपने. बच्चों अगर हम वापस से इस पे, ध्यान से मेरी बात सुन लो, अगर हम वापस से इस पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाएं, ध्यान से चेक करिए, यहां पे हम रफ वर्क में आपको चेक करवा रहे हैं क्या, अगर हम वापस से इसमें, किसमें, 2 इन द ब्रैकेट x प्लस 2 में, अगर हम वापस डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा दें, क्या लगा दें, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा दें, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा दें, तो क्या हो जाएगा, ध्यान से चेक करो, 2 इंटू x प्लस 2, भाई 2 और x प्लस 2 के बीच में कुछ नहीं, यानी कि मल्टीप्लाई है, तो इसका मतलब 2 इंटू x प्लस 2, तो 2 जाके यहाँ भी मल्टीप्लाई करेगा और यहाँ भी जाके करेगा, है ना, यानी कि 2 इंटू x, तो 2x हो जाएगा, और प्लस 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 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, तो वापस बेटा वही तो आ गया, चेक करो 2x प्लस 4 तो आ गया, ठीक है. तो इसलिए मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि फर्स्ट टर्म में से भी 2 कॉमन है, सेकंड टर्म में से भी 2 कॉमन है, जब 2 कॉमन होता जाता है, ठीक है, और हम रफ वर्क में अगर जाके चेक करें तो ये 2 वापस से इस पे डिस्ट्रीब्यूट होगा और आपको यही दे देगा. इसका मतलब इस तरीके से, इस एक्सप्रेशन को इस तरीके से लिखा जा सकता है, ठीक है. अब ध्यान से सुनिए बच्चों, ये जो फॉर्म है ये कैसी आ गई, ये जो फॉर्म है ये कैसी आ गई, इसमें ओनली वन टर्म है, चेक कर लो. देखो क्या किया, ध्यान से समझिएगा, 2x प्लस 4 को हमने क्या लिखा, 2 इन द ब्रैकेट x प्लस 2, कैसे लिखा, कॉमन फैक्टर फॉर्म, मेथड ऑफ कॉमन फैक्टर से, ठीक है ना. अब सुनो मेरी बात ध्यान से, ये क्या है, ये फैक्टर फॉर्म नहीं, लेकिन ये क्या है, ये जो लिखा है 2x प्लस 2, इसको ही हम क्या बोलते हैं, फैक्टर फॉर्म. तो ये क्या हो गया, फैक्टर फॉर्म. अब सुनो, अगर ये फैक्टर फॉर्म है, फैक्टर फॉर्म है, तो बताइए यहां पर आपको कितने फैक्टर्स दिख रहे हैं, 2, कौन कौन, 2 है और x प्लस 2 है. तो ध्यान से चेक करो, 2x प्लस 4 कैन बी रिटन एज 2 इंटू x प्लस 2, इसका मतलब 2 भी क्या है, 2x प्लस 4 का फैक्टर है, और x प्लस 2 भी क्या है, 2x प्लस 4 का फैक्टर है. इसका मतलब अब हम फाइनल आंसर लिखेंगे क्या, ये वाला जो 2 है, 2 एंड x प्लस 2 आर द
फैक्टर ऑफ द एक्सप्रेशन 2x+4। ठीक है, और हमने आपको बताया था किसी एक्सप्रेशन के जो फैक्टर होंगे वो नंबर हो सकता है, एल्जेब्रिक वेरिएबल हो सकता है, या एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हो सकता है। 2 क्या है? नंबर है। x प्लस टू क्या है? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। करेक्ट। अब सुनो बच्चों, ये जो फैक्टर आया हुआ है, ये जो फैक्टर फॉर्म आया हुआ है, दिस फैक्टर फॉर्म हैज ओनली वन टर्म। यस सर, दिस फैक्टर फॉर्म हैज ओनली वन टर्म। ये ध्यान दीजिएगा प्लीज। ठीक है, इसमें केवल एक ही टर्म है, चेक कर लो कौन है, यही है। अब कोई बोलेगा सर टू टर्म है इसमें, कहां टू टर्म है बताओ भाई, टू इंटू ये लिखा हुआ है। इस प्लस को आप क्यों देख रहे हो? ब्रैकेट में अगर कहीं भी प्लस लिखा उसको नहीं देखना, ये पूरा एक ही टर्म है। क्यों सर? क्योंकि देखो अगर हमने कहीं लिखा है 7 × 4 मान लो, ठीक, तो बच्चों 7 × 4 में हम आपसे पूछ रहे हैं कितने टर्म्स हैं बताओ, एक ही टर्म है, यही है पूरा। क्योंकि 7 × 4 का कितना होता है 28, मतलब आपको ये सोचना है कि इसका मल्टीप्लाई करके कुछ तो आ रहा होगा, और जो आ रहा होगा वो एक ही टर्म तो होगा। तो वही आपको यहां पे भी सोचना है कि 2 और x प्लस 2 को मल्टीप्लाई करके कुछ तो आ रहा होगा, और जो आ रहा होगा वो एक ही टर्म है अपना, मतलब एक पूरी क्वांटिटी पूरी एक ही टर्म है। ठीक है, याद रखिएगा। ओके, तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। करेक्ट, फिर से बता रहा हूं, फर्स्ट टर्म का प्रोडक्ट फॉर्म लिखना है, सेकेंड टर्म का प्रोडक्ट फॉर्म लिखना है, और फिर आपको चेक करना है प्रोडक्ट फॉर्म मतलब फैक्टर, उसके फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखना है। ठीक है ना, तो 2x के फैक्टर 2 और x, 4 के फैक्टर 2 और 2। अब आपको चेक करना है कि फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म में कौन सा फैक्टर कॉमन है, वो फैक्टर नंबर भी हो सकता है, वेरिएबल भी हो सकता है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन भी हो सकता है। ठीक, तो फर्स्ट टर्म में 2 और सेकंड टर्म में भी 2, जो फैक्टर फर्स्ट टर्म में भी आ रहा हो सेकंड टर्म में भी आ रहा हो उसको पकड़ के बाहर ले आओ। दो बार नहीं लाना होता है, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, कहते सर दो बार ले आओ, एक बार सर यहां से आया 2, एक बार यहां से आया, तो सर दो बार आना चाहिए था 2। नहीं, अगर आप दो बार 2 ले आओगे बच्चों बाहर, तो 2 × 2 = 4 होगा। हां सोचो, 2 × 2 = क्या हो जाएगा, 4, 4 अंदर जाएगा तो बनाएगा क्या 4x, और 4 × 2 = 8, तब तो ऐसा आ जाएगा। लेकिन एक्सप्रेशन तो हमें क्या दिया हुआ था 2x + 4, ऐसा तो था नहीं। तो जो कॉमन होता है उसको एक ही बार बाहर हम लिखते हैं। ठीक है ना, यहां भी आ रहा हो यहां भी आ रहा हो, यहां से हटा देंगे और उसको बाहर लिख देंगे, और अंदर जो बचेगा उसको छोड़ देंगे x और प्लस 2। और इसका वेरिफिकेशन कैसे करते हैं, रफ वर्क में चले जाओ, अगर हम वापस 2 को अंदर भेजें मल्टीप्लाई में, है ना, यानी कि 2 को डिस्ट्रीब्यूट करें x पे भी और 2 पे भी, तो 2 × x 2x और प्लस 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 2 × 4, तो वापस आपको वैसा ही मिल जाता है। इसका मतलब हमें ये पता चलता है कि हम भाई 2 को कॉमन ले सकते थे फर्स्ट टर्म में से भी और सेकेंड टर्म में से। ओके, तो इतना आप नोट करिए, मैं आपको नेक्स्ट एग्जाम्पल की हेल्प से और समझाता हूँ। बच्चों नेक्स्ट एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लेते हैं 5xy + 10x। ओके, आपकी बुक से ही लेते हैं, इसको फैक्टराइज करना है। सो उसने क्वेश्चन दिया आपको, फैक्टराइज 5xy + 10x। ओके, आप कैसे फैक्टराइज करोगे, देखो पहले बताइए फैक्टर फॉर्म में नहीं है, टू टर्म्स है, चेक कर लो, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है प्लस के बाद। ठीक है, ये फर्स्ट टर्म है सेकंड टर्म है। ठीक, तो फर्स्ट टर्म के फैक्टर क्या क्या हो जाएंगे, अब मैं इसको डायरेक्ट कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, ध्यान से देखिएगा, 5xy को इरिड्यूसिबल फैक्टर फॉर्म में लिखो, तो 5xy को बच्चों हम लोग लिख सकते हैं 5 × x × y। ठीक, इसी तरीके से सेकंड टर्म जो है यानी कि 10x, इसको आप क्या लिख सकते हो, 10 को प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में लिखो, 10 को क्या लिखोगे 2 × 5। ओके, सो 10 को लिखा 2 × 5 × x तो है ही। ठीक, अब यही चीज यहां पे कर दो, 5xy को आपने लिखा क्या 5 × x × y, तो 5xy के फैक्टर 5xy हो गए, और प्लस 10xy के फैक्टर्स 2 × 5 × x। ओके, ये ऐसा कुछ हो गया, करेक्ट। नाउ अब एक ब्रैकेट यहां लगाओ ऐसे करके, ठीक, ब्रैकेट में बंद कर दो। अब ये पूरा फर्स्ट टर्म है और ये पूरा सेकंड टर्म है, जाके चेक करो कौन कौन से नंबर कॉमन आ रहे हैं, जो फर्स्ट टर्म में भी आते हैं सेकंड टर्म में भी, तो मेरे ख्याल से ओनली 5 है, 5 यहां भी आ रहा है यहां भी आ रहा है ना, तो 5 को हम यहां से हटा देंगे और बाहर लिख देंगे। तो ध्यान से चेक करो, 5 एक तो कॉमन आ गया, और क्या कॉमन आ रहा है चेक करो, कोई वेरिएबल क्या कॉमन आ रहा है चेक करो, एक्स यहां पर भी है यहां पर भी, यस सर एक्स भी कॉमन आ रहा है, सो एक्स को भी हम यहां से हटा देंगे और कहां लिखेंगे बाहर लिख लेंगे लाके। ठीक है, ये ऐसे, ठीक है, बाहर आ गया। अब सुनो क्या वाई कॉमन आ रहा है, नो सर नो, कैसे बच्चों ध्यान दें, यहां पर तो वाई है फर्स्ट टर्म में, लेकिन सेकंड टर्म में वाई नहीं है, तो आप वाई को कॉमन नहीं ले सकते हो। इसी तरीके से क्या 2 को कॉमन ले सकते हो, नो, क्यों, क्योंकि सेकंड टर्म में तो है 2 बट फर्स्ट टर्म में नहीं है। ठीक है, सो आपने देखा बच्चों फर्स्ट टर्म में से क्या क्या कॉमन हो गया, 5x बाहर चला गया, क्या बचेगा वाई, अब ये इंटू इंटू हटा दो आप, उसका कोई मतलब नहीं, वाई बचा और ये वाले प्लस को यहीं पे कॉपी करना है, फिर आपको सेकंड टर्म में देखना है क्या क्या गया, 5 गया, x गया, क्या बचा गया 2, सो 2 यहां पे लिख दीजिए, क्या दिक्कत है बताइए, लीजिए आगे फैक्टर फॉर्म।
तो इसका मतलब ये है क्या कि 5xy प्लस 10x का जो फैक्टर फॉर्म है वो क्या है, 5xy प्लस 2 है। क्यों सर? क्योंकि आप देखो बच्चों, फैक्टर्स कौन कौन हो जाएंगे इस बार, 5x को क्या लिखोगे, 5 इंटू एक्स इंटू वाई प्लस 2। अब आप देख लीजिए 5xy प्लस 10x के फैक्टर्स कौन कौन है, 5 है, x है और y प्लस 2 है। फैक्टर कौन कौन हो सकता है, नंबर वेरिएबल एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस, नंबर वेरिएबल एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। अब ये जो फैक्टर फॉर्म है इसमें कितने टर्म्स हैं, वन, ओनली वन, यस सर। ये सब कुछ मल्टीप्लाई में, जब भी सब कुछ मल्टीप्लाई में हो तो वो पूरा मिला के एक सिंगल टर्म होता है। तो ये देखिए फैक्टर फॉर्म में ओनली वन टर्म होता है। तो अब हम अपनी कॉपी में लिख सकते हैं क्या, 5, x एंड y प्लस 2 आर द फैक्टर्स ऑफ दिस एक्सप्रेशन, आर द फैक्टर्स ऑफ 5xy प्लस 10x। करेक्ट बच्चों? आई थिंक ये बातें आपको समझ में आई होंगी। एक बात और बताना चाहता हूं, ये जो फैक्टर फॉर्म आया है, ठीक है, इस फैक्टर फॉर्म में अगर हम क्या करें, वापस से इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दें अंदर, यानी कि 5x इंटू वाई प्लस 2, तो आंसर आपको वापस आपका एक्सप्रेशन मिल जाएगा। इसका मतलब आपने बिल्कुल सही 5x को कॉमन लिया था। देखो 5x यहां मल्टीप्लाई करेगा फर्स्ट टर्म में, तो 5xy और प्लस 5x इंटू 2 क्या होगा, 5 टू द तो 10 हो जाएगा और साथ में x, ये लीजिए वापस वही एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन आ गया मल्टीप्लाई करने पर, है ना, 5x को वापस ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करने पर यही आ गया। इसका मतलब बिल्कुल सही हमने 5x कॉमन लिया हुआ था। ओके बच्चों, चलिए इसको प्लीज नोट कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स, एनसीईआरटी पेज नंबर 219 में लेते हैं एग्जांपल नंबर 1। बच्चों कह रहा है कि फैक्टराइज 12a² b प्लस 15ab², ठीक है, तो इसको हम कौन से मेथड से करेंगे, मेथड ऑफ कॉमन फैक्टर्स की हेल्प से, ठीक है ना। तो आप लोग ध्यान से चेक करिए, ये देखिए ये इसका फर्स्ट टर्म है, ये इसका सेकंड टर्म है, टर्म्स आर सेपरेटेड बाय प्लस एंड माइनस, तो प्लस के पहले जो लिखा है फर्स्ट टर्म और प्लस के बाद में जो लिखा है वो सेकंड टर्म। तो ये देखिए फर्स्ट टर्म जो है आपका, यानी कि 12a² b, ठीक है ना, इसको इसके इरिड्यूसिबल फैक्टर्स के फॉर्म में लिखिए। कैसे, 12 को आप क्या लिख सकते हो बच्चों, 2 × 2 × 3, ये सुनो भाई, 2 × 2 = 4, 3 × 12, कभी भी कोई नंबर दिया हो तो उसके फैक्टर को हमेशा प्राइम नंबर के फॉर्म में लिखना। प्राइम नंबर क्या होते हैं, जो खुद से डिवाइड हो जाए या वन से हो जाए, जैसे 2, 3, 5, 7, 11, है ना। सो बच्चों ध्यान से चेक करिए, 12 को हमने लिखा 2 × 2 × 3 इंटू a² का मतलब पता है आप लोग को, जिसको नहीं पता है ध्यान से चेक करें बच्चों, ए स्क्वायर का मतलब होता है a इंटू ए, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक। क्यों? क्योंकि a इंटू ए का मतलब होता है a की पावर 1, बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी 1 + 1, a की पावर 2, तो a की पावर 2 को वापस से हम a की पावर 1 × a की पावर 1 लिख सकते हैं, a की पावर 1 का मतलब a होता है, इंटू a की पावर 1 का मतलब a होता है, a इंटू ए, सो a स्क्वायर को a इंटू ए। सो आपने एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड आइडेंटिटीज तो पढ़ा होगा ना, फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूँ बच्चों, कोई प्रॉब्लम है नहीं, a इंटू ए लिखा a स्क्वायर को और इंटू में b है, ये इंटू में क्या है, b है, तो हमने इसको ऐसे ही कॉपी कर दिया, करेक्ट। तो ये आ गया इरिड्यूसिबल फैक्टर फॉर्म ऑफ 12a² b। नाउ नेक्स्ट देखिए, 15ab² = नाउ ध्यान दें बच्चों, 15 को क्या लिखोगे, 3 × 5, है ना, प्राइम नंबर्स के फैक्टर्स के फॉर्म में क्या लिखोगे इसको, 3 × 5 इंटू ए को आप a लिखो, इंटू बी स्क्वायर का मतलब क्या होता है, b इंटू बी, ओके, सो बी स्क्वायर का मतलब होगा b इंटू बी, तो हमने क्या किया, बी स्क्वायर को हमने क्या लिखा, b इंटू बी लिख दिया, करेक्ट, ओके। नाउ अब देखिए यही काम हमें यहां पे करना है, ठीक है। सो हमने क्या किया, हमें दिया हुआ था 12a² b प्लस 15ab², तो 12a² b को हमने क्या लिखा, 2 × 2 × 3 × a² को a × b और प्लस ये वाला प्लस कॉपी किया 15 को 3 × 5 लिखो, 5 × 3 लिखो, बात सेम है, ओके, a × b² को b × b, करेक्ट। अब यहां हमने एक ब्रैकेट लगाना है, ठीक है। अब कह रहा है कि मेथड ऑफ कॉमन फैक्टर में, मतलब जो कॉमन फैक्टर हो, फर्स्ट टर्म के फैक्टर ये सारे रहे, सेकंड टर्म के फैक्टर ये सारे रहे, तो आपको फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म में देखना है कौन सा कॉमन फैक्टर है, उसको बाहर ले आओ, ठीक। ध्यान से चेक करो, कॉमन फैक्टर कौन कौन हो सकते हैं, नंबर हो सकता है, वेरिएबल हो सकता है या एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हो सकता है। तो ध्यान दे बच्चों, यहां पे देखिए, यहां 2 आ रहा है, क्या यहां 2 आ रहा है, नहीं,
फर्स्ट टर्म में टू आ रहा है लेकिन सेकंड टर्म में टू नहीं आ रहा है, कॉमन नहीं ले सकते टू को। यहाँ पे देखिए फिर से टू है लेकिन यहाँ पे टू नहीं है, कॉमन नहीं ले सकते। यहाँ पे देखिए थ्री है, ठीक है, सो यहाँ पे भी थ्री है, तो थ्री यहाँ से भी जाएगा, थ्री पे क्रॉस कर देते हैं समझने के लिए, है ना, या निशान लगा दो, थ्री कॉमन है, सेकेंड टर्म में भी थ्री है, तो हम क्या करेंगे ब्रैकेट से थ्री बाहर ले आएंगे। अभी देखिए अभी और क्या क्या बचा हुआ है, यहाँ पे फाइव है लेकिन यहाँ पे फर्स्ट टर्म में फाइव नहीं है तो फाइव कॉमन नहीं आ सकता है। अब देखो बच्चों ये देखिए बहुत ध्यान से चेक करिएगा, ये वाला ए, एक ए यहाँ पर है, एक ए यहाँ पर है तो ए कॉमन आ जाएगा, ठीक। उसके बाद ये वाला ए फिर से मिल गया लेकिन यहाँ पर कोई दूसरा ए नहीं मिला तो हम कॉमन नहीं लेंगे, एक ही बार ए लेंगे क्योंकि ए यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, ठीक। उसके बाद देखिए बी यहाँ पर भी, ठीक, और बी यहाँ पर भी, ठीक है, सो बी आ जाएगा कॉमन, ओके। नाउ अब देखो बचा क्या क्या है, फर्स्ट टर्म में क्या बचा, टू बचा, टू बचा, सो टू इंटू टू बचा, ये थ्री तो चला गया था, इंटू ये वाला ए चला गया था तो ये वाला ए बचा, इंटू अच्छा ये बी भी चला गया, इसको छोड़ दो। अब प्लस देखो फर्स्ट टर्म में क्या क्या बचा, लिख दिया टू बचा, टू बचा, ए बच गया और थ्री ए बी बाहर चला गया था, ठीक। अब ये वाले प्लस को यहाँ पे कॉपी करोगे, ठीक है बच्चों। अब देखिए ये सेकेंड टर्म में क्या कॉमन हो गया था, थ्री ए बी बाहर चला गया, क्या क्या बचा, फाइव बचा, ठीक, फाइव के आगे क्रॉस है उससे मतलब नहीं है, ठीक है ना, उसको ऐसे ही लिख लो, फाइव बचा और इंटू में बी बचेगा, ये लीजिए थ्री ए बी बाहर चला गया, फाइव और बी बच गया, फाइव इंटू बी बच गया, ठीक, इंटू लगा के तब लिखते हैं। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, थ्री ए बी इन द ब्रैकेट बच्चों, टू टू जा फोर, फोर इंटू ए, फोर ए। आपने अगर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज नहीं पढ़ा है तो प्लीज उसको पहले पढ़िए बच्चों, आपको अच्छा फील आएगा, है ना। प्लस 5 इंटू बी क्या होता है, 5 बी, ये लीजिए, ठीक है। तो देखा आपने, ये ओनली यहाँ पर ओनली वन टर्म है, ये पूरा एक ही टर्म है, टू टर्म्स नहीं है, ओनली वन टर्म है ना, तो जब ओनली वन टर्म आ जाता है तो उसका फैक्टर फॉर्म होता है। अब कौन कौन हो गए इसके फैक्टर्स, कौन कौन हो गए बताइए, 3 हो गया, a हो गया, b हो गया और 4a प्लस 5b हो गया, ठीक है ना बच्चों। तो अब आपको ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, आपको चुपचाप लिख देना है कि 3ab इन द ब्रैकेट 4a प्लस b, दिस इज द रिक्वायर्ड फैक्टर फॉर्म। ये जो है यही क्या है हमारा रिक्वायर्ड, मतलब जिसकी हमें जरूरत थी, रिक्वायर्ड फैक्टर फॉर्म, ओके बच्चों, ठीक है। तो ये आंसर आ गया। अब अगर आपको चेक करना है आपका आंसर सही है कि नहीं सही है, तो आप क्या करो, इसको रफ वर्क में लिखो इस तरीके से, 3ab इन द ब्रैकेट 4a प्लस 5b, और क्या करो इस 3ab को वापस से अंदर मल्टीप्लाई करो, है ना, तो 3ab जाके यहाँ मल्टीप्लाई करेगा पहले, तो 3 4 था क्या आ जाएगा 12, फिर a इंटू ए होता है a स्क्वायर, है ना, और b ऐसे ही आ जाएगा, फिर 3 जाके सेकेंड टर्म में मल्टीप्लाई करेगा, ये वाला प्लस कॉपी करेंगे, है ना, 3 5 जाके कितना होता है 15, a इंटू b, ए बी और एक और b है यहाँ पर, तो a को ऐसे लिख देते हैं और b इंटू बी हो जाएगा b स्क्वायर, ये लीजिए वापस वही आ गया जो क्वेश्चन में दिया हुआ था मल्टीप्लाई करके, है ना, 12 ए स्क्वायर बी प्लस 15 ए बी स्क्वायर, यानी कि हमारा फैक्टर फॉर्म बिल्कुल सही है, ओके स्टूडेंट्स, करेक्ट। तो प्लीज नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स, लेते हैं एग्जांपल नंबर 2 गिवन ऑन पेज नंबर 219 एनसीईआरटी क्लास 8 फैक्टराइजेशन, ओके। कह रहा है फैक्टराइज 10x स्क्वायर माइनस 18x क्यूब प्लस 14x टू द पावर 4, तो टोटल कितने टर्म्स है बताइए, टर्म्स आर सेपरेटेड बाय प्लस एंड माइनस, तो कितने टर्म्स है, 3, 1 2 3, ओके। नाउ फर्स्ट टर्म लेते हैं, तो फर्स्ट टर्म को हम लोग इरिड्यूसिबल फैक्टर के फॉर्म में लिखेंगे, मतलब हम इसको ऐसे नंबर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में या ऐसे वेरिएबल्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखेंगे जिसको फर्दर फैक्टराइज ना कर सकें, जैसे कि 10 को आप क्या लिख सकते हो, 2 इंटू 5, अब देखो 2 को फर्दर हम फैक्टराइज नहीं कर सकते हैं, 5 को फैक्टराइज नहीं कर सकते हैं, इंटू एक्स स्क्वायर का मतलब क्या होता है, एक्स इंटू एक्स, जिसको नहीं पता है प्लीज ध्यान दें बच्चों, एक्स स्क्वायर का मतलब बच्चों होता है एक्स इंटू एक्स, ओके ध्यान रखिएगा, ओके। नाउ अब देखिए नेक्स्ट से आपका ये साइन मत देखो आप अभी, है ना, आप बस इसको देखो जो क्वांटिटी लिखी हुई है 18x क्यूब, तो 18x क्यूब को बच्चों हम लोग क्या लिखेंगे, अब देखिए 18 के फैक्टर क्या क्या हो जाएंगे, अगर आपको नहीं पता है तो आप ऐसे सोचो 18 को आप डिवाइड लगाना शुरू करो, सबसे पहले ये प्राइम नंबर से लगाना, किससे लगाओगे, प्राइम नंबर से, प्राइम नंबर समझते हो ना, जो नंबर खुद से डिवाइड हो जाए या 1 से, जैसे 2 एक प्राइम नंबर है, 3 एक प्राइम नंबर है, 5 प्राइम नंबर है, 7 प्राइम नंबर है ना, और 11 प्राइम नंबर है, ठीक है ना, तो प्राइम नंबर से आप इसको डिवाइड लगाना शुरू करिए, करेक्ट। चलिए देखिए 2 9 जा 18, फिर अब ये 3 से जाएगा, 3 3 जा 9, फिर 3 1 जा 3, सो 18 को लिखेंगे 2 इंटू 3 इंटू 3, करेक्ट। सो 18 को हमने लिखा बच्चों क्या, 2 इंटू 3 इंटू 3, आप वापस से रीचेक कर सकते हैं, 2 3 जा 6, 6 3 जा 18, ओके, इंटू, अब ध्यान दें एक्स क्यूब का मतलब होता है एक्स को 3 टाइम मल्टीप्लाई करो, यस सर, एक्स क्यूब का मतलब होता है एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स, ओके। सो यहां पे हमने लिखा इंटू
x into x into x, okay? Now, अब आप देखिए बच्चों, next है आपका 14x to the power 4, तो 14x to the power 4, okay? Now, 14 को क्या लिखोगे आप? सबसे पहले 2 से divide लगा के देखो, 2 7 जा 14, फिर 7 1 जा 7, खत्म। जैसे ही 1 आ जाए, छोड़ दो, 2 7 जा 14, so 2 into 7, 2 prime number है, 7 prime number है, okay? x की पावर 4 का मतलब x को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करो, ओके? सो x इनटू x इनटू x इनटू x, करेक्ट? तो ये देखा आपने, हमने क्या किया, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म थर्ड टर्म को इरिड्यूसिबल फैक्टर के फॉर्म में लिख लिया, ओके? अब करना कुछ नहीं है, ये आपका क्वेश्चन दिया था क्या, 10 x टू द पावर 2 माइनस, थोड़ा सा दूर-दूर करके लिख रहा हूं, है ना, 18x क्यूब प्लस 14x to the power 4, ओके, उसको आप कॉपी कर लीजिएगा उधर से, है ना, करना होगा आपको। अब देखो 10x square को क्या लिखा था, 2 into 5 into x square को x into x minus, ये वाला minus कॉपी किया, 18 को क्या लिखा था, 2 into 3 into 3 और x cube को into x into x into x और plus 14 को 2 into 7 into x की power 4 को x into x into x लिखा था, correct, 4 times, now इसको आपने copy कर लिया होगा मेरे ख्याल से यहाँ पे, okay, तो इसको मैं rub कर देता हूँ, correct बच्चों, now यहाँ हमने bracket लगाया, ठीक है, इस तरीके से, अब देखिए बच्चों, ये first term है, ये second term है, और ये third term है, अब आपको check करना है first term, second term, third term में से common factor कौन सा आ रहा है, ये सब factors है ना, third term के, ये सब factor हैं, second term के, ये सब factor हैं, first term के, है ना? So common कौन first term में क्या, second term में और third term में क्या common आ रहा है वो आपको देखना है। Common कौन कौन हो सकता है, कोई number common हो सकता है, कोई variable common हो सकता है, कोई algebraic expression भी common हो सकता है। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहले यहाँ पर 2 है, क्या यहाँ पर है, हाँ है, क्या यहाँ पर है, हाँ है, so 2 आ सकता है bracket के बाहर, तो bracket के बाहर 2 ले आया हमने, अब ये 2 यहाँ से चला जाएगा, तो इस पर निशान लगा दो आप, ये 2 कॉमन हुआ, समझने के लिए बस मैं कर रहा हूँ, है ना, 2 कॉमन हो गया, फिर यहाँ पर 5 है, लेकिन यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर नहीं है, 5 कॉमन नहीं हो सकता है, अब ध्यान से चेक करो बच्चों, यहाँ पे देखिए x है, यहाँ पे भी x है, तो ये वाला x एक बार एक-एक करके लो, ये x है, तो यहाँ पर भी एक x मिल रहा है, यहाँ पे भी एक x मिल रहा है, यानी कि एक x आ जाएगा बाहर, उसके बाद फिर से यहाँ पे एक x मिल रहा है, और यहाँ पे एक और x, यहाँ पे भी सेकंड टर्म में भी फिर से एक x मिल रहा है, और थर्ड टर्म में भी फिर से एक x मिल रहा है, करेक्ट, तो हम एक और x कॉमन ले लेंगे, तो x इनटू x, ठीक है, एक x आया, दूसरा x भी आ गया, करेक्ट, अब यहाँ पे 3 है बट फर्स्ट टर्म में 3 नहीं है, यहाँ पे 7 है बट सेकंड टर्म और फर्स्ट टर्म में 7 नहीं, मतलब जितना कॉमन आना था आ गया, ठीक है, अब कुछ नहीं करना है, अब ध्यान से चेक करो बच्चों, जब हमने कॉमन ले लिया ब्रैकेट के बाहर, है ना, सो फर्स्ट टर्म में क्या क्या बचा, 2 चला गया, x चला गया, x चला गया, यानी कि 2 into x into x चला गया, क्या बचेगा, ओनली 5, ठीक, फिर ये वाला माइनस हमने कॉपी कर लिया, 2 चला गया, x चला गया, x चला गया, क्या क्या बचा, 3 into 3 into में x, ठीक, ये 3 बचा, 3 बचा, ये वाला x बच गया, 2x x बाहर चला गया था, ठीक, प्लस 2 चला गया, x चला गया, x चला गया, क्या बचा, 7 बचा, into में x बचा, x बचा, so x into x, ये लीजिए, ठीक है बच्चों, ओके, तो ये हो गया, अब इसको सॉल्व करो, 2 into x, 2 तो ऐसे रहेगा, x into x, x square, तो 2x square, in the bracket, 5 ऐसे ही रहेगा, minus, minus ऐसे रहेगा, 3, 3 जा 9 into x, 9x, ओके, plus, 7 ऐसे ही रहेगा, और सभी को बताना चाहिए x into x का मतलब x square होता है, तो x into x हो गया x square, यानी कि 7x square, correct, तो ये आपका क्या आ गया, factor form आ गया, अगर आपको अपना answer check करना है, तो आप कैसे check करोगे, यहाँ पे देखिए, check your answer, कैसे करोगे, 2x square in the bracket, 5 minus 9x plus 7x square, correct, multiply करके देखिए इसको, तो 2x जाएगा यहाँ multiply करेगा, 2, 5 जा 10, और साथ में क्या होगा x square, फिर 2 के आगे plus है, यहाँ minus है, plus minus, minus, और 2 जाएगा, second term में multiply करेगा, तो 2, 9 जा 18 होता है, है ना, और x square into x, x का cube हो जाएगा, 2 के आगे plus है, यहाँ plus है, plus, 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 और 2x square यहाँ जाके multiply करेगा, 2, 7 जा 14, और x square into x square, base same है, power add हो जाएगी, 2 plus 2, 4, x की power 4, तो देखा आपने, जो expression दिया था, क्या वही आ गया,
10x² - 18x³ + 14x² इसका मतलब हमने बिल्कुल सही फैक्टराइजेशन किया है, क्योंकि फैक्टराइजेशन करने के बाद जो भी कॉमन आता है बाहर उसको उठा के वापस अगर हम ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर दें और वही एक्सप्रेशन आ जाए जो दिया हुआ था, इसका मतलब हमने बिल्कुल सही कॉमन लिया है। ओके बच्चों, चलो बहुत बढ़िया बात है। अब इसमें एक चीज़ और करनी है आपको, वो मैं आपको बताता हूँ। सुनिए, जब आपका फैक्टराइजेशन फॉर्म आ जाता है, ठीक, तो ध्यान से सुनिए क्या करते हैं हम। ये जो ब्रैकेट के बाहर लिखा है इसको आप ऐसे लिखोगे, और ब्रैकेट में जो लिखा हुआ है, ब्रैकेट में जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा है उसको वेरिएबल की पावर के डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। आई रिपीट, वेरिएबल की पावर के डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। मतलब आइए बताते हैं आपको बच्चों, इसमें आपको चेक करना है, देखो ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, करेक्ट। इसमें आपको चेक करना है कि एक्स की हाईएस्ट पावर वाला टर्म कौन सा है, तो जवाब है 7x² और साइन के साथ लिखना है। साइन कैसे, इसके आगे प्लस है। ओके, सो हम लिखेंगे प्लस 7x², फिर एक्स की पावर 2 है, उसके बाद एक्स की पावर 2 से कम क्या पॉसिबल है, कुछ ऐसा टर्म दिख रहा है? यस सर, दिख रहा है। मतलब सीधे शब्दों में बोले तो पहले एक्स की पावर 2 लेना है, फिर एक्स की पावर 1 यानी कि एक्स वाला टर्म, फिर कांस्टेंट टर्म यानी कि नंबर वाला टर्म लेना है ना। सो अब आएगी इसकी बारी, साइन के साथ लेना है -9x, क्योंकि एक्स की पावर कुछ नहीं यानी कि 1 है। ओके, सो -9x लेना और फिर लास्ट में नंबर लिखना है, तो प्लस, ये 5 के आगे कोई साइन नहीं यानी कि प्लस है, तो क्या लिखेंगे, प्लस 5। ओके, अब सुनो, जब भी कोई फर्स्ट टर्म लिखा होता है और वो पॉजिटिव होता है तो प्लस हम नहीं लगाते हैं, इसलिए हटा देंगे, ये लीजिए। तो आपको x की पावर के डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपको एक्सप्रेशन को लिखना है। ओके, 7x² - 9x + 5, ये लीजिए। तो ये आ गया आपका क्या, रिक्वायर्ड फैक्टर फॉर्म। ओके, ध्यान रखिएगा नहीं तो इसमें आपके मार्क्स कट जाएंगे। ओके, प्लीज नोट कर लीजिए। पेज नंबर 219 एनसीईआरटी में आप देखेंगे अपनी बुक में, तो उन्होंने ट्राई दीज में 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं, ध्यान दें, ट्राई दीज। तो इसको हम सॉल्व करेंगे एक एक करके, पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3। ओके, तो फटाफट कॉपी पेन निकाल लीजिए, स्टार्ट करिए मेरे साथ। पहले आप खुद से ट्राई करो और मेरे से आंसर मैच करना, ठीक है, मैं तो आपको करके दिखाऊंगा। ये फर्स्ट टर्म है, सेकेंड टर्म है। ओके, सो 12x को इरिड्यूसिबल फैक्टर्स के फॉर्म में लिखो। 12x को आप क्या लिखोगे, 12 को प्राइम नंबर्स के फैक्टर्स के फॉर्म में लिखो। मतलब 12 को आप, प्राइम नंबर क्या क्या होते हैं, जो खुद से डिवाइड हो जाए या 1 से, यानी कि 2, 3, 5, 7, 11, है ना। तो सबसे पहले 2 से डिवाइड करके देखो, 2 6 जा क्या होता है 12, फिर 2 3 जा क्या होता है 6, फिर 3 1 जा 3, जैसे ही 1 आ जाए छोड़ दो, यानी कि 12 को 2 × 2 × 3 लिखेंगे। ओके, सो 12 को 2 × 2 × 3 लिखेंगे, और इंटू में क्या है, इंटू में एक्स भी है, सो एक्स लिख देंगे। नाउ ध्यान दें, 2 × 4 = 3 = 12 ही तो होता है, तो 12 को हम क्या लिखेंगे, 2 × 2 × 3, करेक्ट। ओके, इसी तरीके से 36 के बच्चों प्राइम फैक्टर करिए, 36 के प्राइम फैक्टर करिए। कैसे करेंगे सर, 36 दिया ना ओनली, यस। चलिए देखिए बच्चों, 36 के प्राइम फैक्टर 2 से डिवाइड करो, 2 18 टाइम्स जाएगा ना, 2 18 जा 36, फिर 2 9 जा 18, फिर 3 3 जा 9, और फिर 3 1 जा 3, करेक्ट। सो 36 को 2 × 2 × 3 × 3 लिखोगे। ओके, सो 36 को प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में लिखिए, 2 × प्राइम नंबर्स के फैक्टर के फॉर्म का मतलब होता है आपको सामने प्राइम नंबर ही दिखने चाहिए, सो 2 × 2 × 3 × 3, ये देखिए। अब आप देख सकते हो बच्चों, 2 × 2 = 4, 4 × 3 = 12, 12 × 3 = 36। ओके, नाउ ये हो गया। इसको पता है आप कैसे सोच सकते थे ऐसे भी कि 36 को हम क्या लिख सकते हैं, 12 × 3, 12 × 3 = 36 होता है, फिर 12 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 × 3, 2 × 2 × 3 और इंटू में 3, बस हो गया, ठीक। चलो, सो 12x को लिखा क्या, 2 × 2 × 3 × x, ये हो गया 12x, प्लस 36 को क्या लिखा, 2 × 2 × 3 × 3। अब हम इसका फैक्टराइजेशन करेंगे, यहाँ ब्रैकेट लगा लेंगे, ठीक, और फैक्टराइजेशन करेंगे मेथड ऑफ कॉमन फैक्टर से। क्या कहता है मेथड ऑफ कॉमन फैक्टर, ये रहा फर्स्ट टर्म, प्लस के बाद सेकेंड टर्म, जो भी कॉमन आ रहा हो उसको बाहर कॉमन ले लो, जो फैक्टर कॉमन आ रहा हो। फैक्टर कौन कौन हो सकते हैं, नंबर, वेरिएबल या एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। ओके, तो देखिए बच्चों, यहाँ 2 है, क्या यहाँ 2 है, यस सर, तो एक 2 बाहर आ जाएगा जिसमें निशान लगाया है ये वाला, ठीक। फिर यहाँ पे फिर से 2 है और सेकेंड टर्म में फिर से 2 है, फिर से 2 कॉमन आएगा, और जब बाहर आएगा तो बाहर वाले 2 में वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक, ये ब्रैकेट है।
और क्या क्या कॉमन आ रहा है हम आपको दिखा रहे हैं। ये टू आया यहाँ यहाँ से, फिर ये वाला टू आया। अब इसके बाद यहाँ पे देखो थ्री है, क्या यहाँ है? यस सर। सो इन टू में थ्री भी आ जाएगा बाहर। उसके बाद ध्यान दें बच्चों, यहाँ पे ये वाला थ्री है लेकिन यहाँ पे एक एक्स्ट्रा थ्री नहीं है, बस हो गया। अब थ्री कॉमन नहीं आएगा, ऐसा नहीं कि ये वाला थ्री भी आपने निकाल लिया ना। अब देखो, अब वेरिएबल्स चेक करो, फर्स्ट टर्म में एक्स है लेकिन सेकेंड टर्म में एक्स नहीं है, तो अब कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है। ओके, सो फर्स्ट टर्म में क्या बचा? एक्स। फिर ये वाले प्लस को हमने कॉपी कर दिया। अब सेकेंड टर्म में क्या बचा बच्चों? सेकेंड टर्म में देखिए थ्री बचा है, क्योंकि टू इंटू टू इंटू थ्री तो बाहर चला गया, ठीक, तो थ्री बच गया। ये देखिए, ठीक, अब देखिए टू टू ज़ा फोर और फोर थ्री ज़ा ट्वेल्व, तो बाहर आ गया ट्वेल्व इन द ब्रैकेट एक्स प्लस थ्री। सो दिस इज द फैक्टर फॉर्म, यही क्या है, ट्वेल्व इन द ब्रैकेट एक्स प्लस थ्री, क्या है इसका रिक्वायर्ड फैक्टर फॉर्म है। अब आपको अगर अपना आंसर चेक करना है, ओके, सो कैसे चेक करेंगे? चेक योर आंसर, कैसे? जो आंसर आया है आपका 12 इन द ब्रैकेट x प्लस थ्री, ठीक, ये आया। सो 12 और ब्रैकेट के बीच में कुछ नहीं, तो यहाँ मल्टीप्लाई होता है, 12 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, है ना, और चेक करो कि दिया गया एक्सप्रेशन आ रहा है कि नहीं। अगर आ रहा होगा तो आपका आंसर सही है, 12 इंटू एक्स 12x, और यहाँ पे प्लस है, प्लस 12 इंटू थ्री 36। ये नीचे 12x प्लस 36 आ गया, इसका मतलब हमने बिल्कुल सही फैक्टराइज किया है, करेक्ट, नोट कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स, लेते हैं पार्ट टू, 22y माइनस 33z, ओके, तो फर्स्ट टर्म क्या है आपका 22y को आप क्या लिखोगे, 22 को क्या लिखोगे, 22 के प्राइम फैक्टर निकालो, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 2 2 1 2, यानी कि 2 11 22, फिर 11 भी एक प्राइम नंबर है तो 11 से जाएगा, 11 1 11, अब छोड़ देंगे, यानी कि 22 कैन बी रिटन एज 2 इंटू 11, 22 को क्या लिखा, 2 इंटू 11, आप चेक भी कर सकते हो, 2 इंटू 11 22 ही तो होता है, 22 को 2 इंटू 11 और इंटू में y। अब सेकेंड टर्म देखिए, साइन मत देखो आप ये देखो बस क्या न्यूमेरिकल वैल्यू क्या लिखा है, और बिना साइन के आप एक्सप्रेशन को देखो क्या लिखा है, 33z, ओके। नाउ 33 के प्राइम फैक्टर बच्चों, पहले ये 3 से जाएगा, सो 3 1 3 3 1 3, यानी कि 3 11 33, फिर 11 से जाएगा, सो 11 1 11, सो 33 को हम 3 इंटू 11 लिख सकते हैं, तो आप भी देख सकते हो 3 इंटू 11 कितना होता है, 33, तो 33 को 3 इंटू 11, इंटू में क्या बचा, जेड, ओके। नाउ 22 को हमने लिखा क्या, 2 इंटू 11 इंटू वाई, और माइनस 33 को हमने लिखा 3 इंटू 11 इंटू जेड। सो ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म है, ब्रैकेट लगाएंगे, ओके। अब ध्यान दें बच्चों, फर्स्ट टर्म में क्या कॉमन आ रहा है, देखो यहाँ 2 है, यहाँ 2 नहीं है, यहाँ 11 है, यस सर, यहाँ भी 11 है, यस सर, तो 11 आ गया ब्रैकेट के बाहर। यहाँ y है लेकिन यहाँ नहीं, यहाँ z है लेकिन यहाँ नहीं है ना, सो ओनली क्या कॉमन आया, 11। क्या बचा फर्स्ट टर्म में, 2 और y, यानी कि 2 इंटू वाई, फिर माइनस कॉपी करेंगे, और सेकेंड टर्म में क्या बचा, 3 इंटू जेड, सो 3 इंटू जेड। अब बाहर है 11 इन द ब्रैकेट 2 इंटू वाई 2y, और माइनस 3 इंटू जेड 3z, ये लीजिए, ठीक है बच्चों, ओके। सो ये आपका रिक्वायर्ड फैक्टर फॉर्म है, 11 इन द ब्रैकेट 2y माइनस 3z। अगर आंसर चेक करना है आपको, सो आप चेक कर सकते हो, कैसे, 11 इन द ब्रैकेट 2y माइनस 3z, क्या करेंगे, 11 को वापस अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, अगर यही एक्सप्रेशन आ गया जो दिया था तो हमारा आंसर सही है, 11 इंटू 2 22 साथ में y, तो माइनस 11 3 जा 33 साथ में z, लीजिए, बिल्कुल सही आंसर आया हमारा। तो ये रहा आपका क्या, फैक्टर फॉर्म, क्योंकि हमारा एक्सप्रेशन वापस आ गया जो दिया हुआ था जब हमने 11 को वापस अंदर मल्टीप्लाई किया, ओके, प्लीज नोट कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स, लेते हैं पार्ट 3, ट्राई दीज का, 14PQ + 35PQR। सो 14PQ को क्या लिखोगे आप, 14PQ को आप क्या लिखोगे बच्चों, 14 को 2 × 7, वेरी इजी, इंटू पी इंटू क्यू, पी क्यू को पी इंटू क्यू लिखा, और सेकेंड टर्म क्या है, 35PQR। बच्चों सभी बच्चों को बताया 35 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 × 7, ओके, सो 5 × 7, 5 × 7 = 35, इंटू में क्या बचा, पी इंटू क्यू इंटू आर, सो पी इंटू क्यू इंटू आर, ओके। नाउ अब यहां पे आइए, ये फर्स्ट टर्म है, 14PQ को क्या लिखा हमने, 2 × 7 इंटू पी इंटू क्यू, पी इंटू क्यू, प्लस
35 PQR को हमने लिखा 5 इंटू 7 इंटू पी इंटू क्यू इंटू आर, ओके आर ब्रैकेट लगा देंगे एक, ये फर्स्ट टर्म है, प्लस के बाद ये सेकंड टर्म है, ठीक। कॉमन क्या आ रहा है चेक करो, सबसे पहले नंबर चेक करो, यहाँ पे 2 है, यहाँ नहीं है, यहाँ 7 है और सेकंड टर्म में भी 7 है, तो 7 आ गया कॉमन। उसके बाद यहाँ 5 है, लेकिन यहाँ फर्स्ट टर्म में 5 नहीं, तो 5 कॉमन नहीं हो सकता है। फिर यहाँ पे p है, सो p आ जाएगा बाहर, तो 7 इंटू p, या आप ऐसे भी 7p भी लिख सकते हो, p आ गया बाहर, ओके, क्योंकि यहाँ भी p है ना। उसके बाद q यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो q भी आ गया कॉमन। अब ब्रैकेट में क्या बचा, फर्स्ट टर्म में यहाँ से यहाँ तक 7pq बाहर चला गया, क्या बचा 2 प्लस 7pq बाहर चला गया 5 इंटू r बचा, तो 5 इंटू r बच गया, ओके। नाउ 7pq इन द ब्रैकेट 2 ऐसे ही रहेगा और प्लस 5 इंटू r 5r, सो दिस इज रिक्वायर्ड फैक्टर फॉर्म। अगर आपको अपना आंसर चेक करना है तो आप क्या करो, 7pq इन द ब्रैकेट 2 प्लस 5r, आप क्या करेंगे, ये 7pq को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, और अगर जो एक्सप्रेशन दिया है वही आ गया तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। 7pq इंटू 2, 7 2 हो गया 14, और p इंटू q pq, फिर ये जाके देखो ये 2 में मल्टीप्लाई किया था, 7 2 14 pq, और यहाँ जाके करेगा तो 7 5 जा, ये वाला प्लस यहाँ कॉपी करेंगे, 7 5 जा 35 pqr, भाई pq इंटू r pqr, ये लीजिए, तो जो एक्सप्रेशन दिया था वही एक्सप्रेशन आ गया। इसका मतलब हमारा ये जो फैक्टराइजेशन हमने किया है, ये जो फैक्टर फॉर्म है, रिक्वायर्ड फैक्टर फॉर्म है, वो बिल्कुल करेक्ट है। ओके स्टूडेंट्स, तो आई थिंक आपको बातें मेरी समझ में आई होंगी। नाउ स्टूडेंट्स, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है एनसीईआरटी में पेज नंबर 219 पर, ओके नीचे देखिए सेक्शन 14.2.2 फैक्टराइजेशन बाय रीग्रुपिंग टर्म्स, ओके। अभी हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा फैक्टराइजेशन विद द हेल्प ऑफ मेथड ऑफ कॉमन फैक्टर, ओके, जो भी कॉमन फैक्टर होता है उसको कॉमन निकाल लेते हैं फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म थर्ड टर्म में से। अब हम पढ़ेंगे क्या कि फैक्टराइजेशन बाय रीग्रुपिंग टर्म्स, टर्म्स को कभी कभी रीग्रुप करना पड़ता है, कैसे करते हैं, उसके बाद फैक्टर करते हैं, ठीक है, तो ये हम सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो नेक्स्ट वीडियो बच्चों एंड स्क्रीन पे आ रहा होगा, जाते जाते कमेंट सेक्शन में जो पिंड कमेंट है उसको चेक करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट।